होगा? नहीं होगा। नो फीचर ऑफ हेमोलाइसिस होगा। तो टोटल बिलिरुबिन लेवल इसमें क्या होगा? हेपेटोसेलुलर एंजियोजेनी में टोटल बिलिरुबिन लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा, सही है, ज्यादा होगा। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन माइल्डली, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा? माइल्डली इंक्रीज, व्हाइल कंजुगेटेड बिलिरुबिन विल बी सीवियरली इंक्रीज। क्योंकि यहां पर हेपेटोसेलुलर इंजरी है, जब हेपेटोसेलुलर इंजरी है तो यहां पर क्या होगा? कंजुगेशन। हेपेटोसेलुलर इंजरी में क्या होगा? कंजुगेटेड बिलिरुबिन सीवियरली इंक्रीज होगा। रियल मार्कर ऑफ लिवर इंजरी क्या है? यहां पर एएसटी एएलटी भी क्या होगा? वहां पर नॉर्मल थे, यहां पर एएसटी और एएलटी या एसजीपीटी क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि मार्कर ऑफ हेपेटोसेलुलर इंजरी इज एएसटी एंड एएलटी। ओके, मार्कर ऑफ बाइलेरिक कैनेकुलाई इंजरी इज व्हाट? अल्कलाइन फॉस्फेटेस, 5 न्यूक्लियोपेप्टिडेस एंड अदर गेबा ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज, दीज आर द मार्कर ऑफ द बाइलेरिक कैनेकुलाई ऑब्स्ट्रक्शन और व्हाट द अदर थिंग इज? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगा या इंजरी की वजह से होगा? जब आपको ये चीजें नजर आएंगे तीनों, अल्कलाइन फॉस्फेट, 5 न्यूक्लियोपेप्टिडेस, गामा ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जब इंक्रीज नजर आएंगे तो इसका मतलब क्या है? कोलेस्टेसिस है। कोलेस्टेसिस में हमने दूसरा चीज भी पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल, बाइल साल्ट, और तीसरा कौन सा पढ़ा था? बिलिरुबिन, सही है। जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? इट इज द कोलेस्टेसिस। तो कोलेस्टेसिस में तीसरा चीज ये चीज भी है, जब ये चीजें तीनों नजर आएंगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, कोलेस्टेसिस है, सही है। जब आपको एसजीपीटी बड़ा नजर आएगा तो इसका मतलब इट मे बी मेजर प्रॉब्लम ऑफ द लिवर, हेपेटोसेलुलर इंजरी और द ड्यू टू डायबिटिक प्रॉब्लम आल्सो, सही है। हम ज्वाइंटस में कहते हैं, क्योंकि ज्वाइंटस में ज्यादातर ये बढ़ते नहीं, ये ज्यादातर हेपेटाइटिस में बढ़ते हैं एसजीपीटी, सही है। इसको कहते हैं सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमाइनेज एंजाइम, ये बढ़ते किसमें? हेपेटाइटिस में ज्यादातर। इसमें क्या होगा? अल्बुमिन लेवल, जब यहाँ पर एएसटी जब इंजरी होगा तो ये क्या है? बढ़ेगा। अल्बुमिन लेवल क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? अभी पढ़ा था, अल्बुमिन लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। अल्बुमिन, हाइपो अल्बुमिनीमिया होगा किसमें? हेपेटोसेलुलर इंजरी में। यूरिनो बाइलिनोजिन क्या होगा? यूरिनो बाइलिनोजिन क्या होगा? बढ़ेगा, शाबाश। एस्ट्रोगो बाइलिनोजिन भी क्या होगा? बढ़ेगा। अल्कलाइन फॉस्फेट क्या होगा? बढ़ेगा। 5 न्यूक्लियोपेप्टिडेज क्या होगा? बढ़ेगा। गेमा ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम भी क्या होगा? बढ़ेगा। एंड व्हाट एंड व्हाट एंड व्हिच प्रॉब्लम? इन हेपेटोसेलुलर इंजरी। जब अल्बुमिन बढ़ेगा कम होगा तो इसका मतलब है देयर इज लिवर प्रॉब्लम। इफ एसजीपीटी और एएसटी दोनों बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हेपेटोसेलुलर इंजरी है। जब गेमा ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ओनली ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब अल्कोहल यूजर है या अल्कोहल यूजर है? अल्कोहल यूजर में ज्यादातर ये होता है। अभी लास्ट पेशेंट है, अभी ए पेशेंट कम टू यू एंड आस्क टू, अगर एक पेशेंट आ जाए आपसे, आपसे डायरेक्टली पूछे कि ये क्या है, आस्क टू यू एज एन ऑब्स्ट्रक्शन और नॉट, आप डायरेक्टली किस तरह करेंगे, डिसीजन लेंगे? आपको आ जाए कि मेरा ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम, तो आप क्या कहें? जस्ट टेक द यूरिन एंड डू द लैब टेस्ट। इफ देयर इज नो बाइलिरुबिन, यूरिनो बाइलिरुबिन, सो we will be confirmed that the person has suffer with what? Obstructive problem, cholestasis, सही है, urinary bilirubin obstruction होगा। आपसे कोई patient directly पूछे कि मेरा obstructive problem है या नहीं है, तो आप क्या directly क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे directly? आप urine का test करोगे, urinary bilirubin नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? Decision, automatic decision है, हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन एक क्या बोलते हैं इमीडिएट वो आंसर देने के लिए हम ये दे कर सकते हैं। यूजुअली एंड कोलेस्टेसिस इफ इट इज बिकम प्रोलॉन्ग, आप कोलेस्टेसिस प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग हो जाए तो इसमें क्या होगा? हाइपो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा। सो इट विल एक्युमुलेट अंडर द स्किन, सो इट मेक अंडर द स्किन एंड इट मेक क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हिच इज नोन एज ज़ेंथोमास। क्या होगा? इस कंडीशन को हम ज़ेंथोमास कहते हैं। आपने देखो कि सर दाने सब निकल आते हैं इस तरह यहाँ पर, तो इस कंडीशन को जब प्रोलॉन्ग होगा कोलेस्टेसिस, तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज 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 कंटिन्यू तौर पर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर एक्युमुलेशन अंडर द स्किन होगा, ज्यादातर ये भी फीमेल में होते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज ज़ेंथोमास। ओके, एनदर
हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट भी पढ़ते हैं, इंट्रा हेपेटिक है या एक्स्ट्रा हेपेटिक है, तो इसके हम एक टेस्ट देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं ERCP। यहाँ पर तो अभी एडवांस स्टेज में ये नहीं है, लेकिन फिर भी ERCP कुछ एक टेस्ट है। ERCP का मतलब क्या है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी ERCP करते हैं। क्या है एंडोस्कोपिक का मतलब पढ़ के दिखाना, रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी। ये क्या करते हैं, यहां से एक खास तरह का क्या होते हैं, एक टूल्स होता है, इसको एंटर करते हैं और यहाँ तक ले आते हैं। यहाँ पर कैमरा वो होता है, इसको देख लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम देखते हैं कि क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है, यहाँ से करते हैं। दूसरा है, इसको हम क्या कहते हैं ERCP मेथड, सही है। दूसरा मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं MRCP, ये एडवांस स्टेज है MRCP। इसको क्या कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनिंग। ये कैसे करते हैं, एडियर इंट्राहेपेटिक प्रॉब्लम वी डू, तो ये MRCP देते हैं। तीसरा है अगला दूसरा टेस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं PTC। PTC का मतलब क्या है, परक्यूटिनस मेट बाइलेरियल लाइन के जरिए हम एंटर करते हैं ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी करते हैं, तो फाइंड आउट है कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या है। अगर इंट्रा हेपेटिक प्रॉब्लम होगा तो हम क्या कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, PTC करते हैं, सही है। इफ यू फेल, अगर इन तीनों टेस्ट में आप फेल हो गए तो हम क्या करेंगे, वी डू बायोप्सी। एडवांस स्टेज में आजकल क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी का मेथड तो आप लोग जानते होंगे, ए पेशेंट कम टू यू एंड ही हैज एनोरेक्सिया। पेशेंट आ जाए और उसको क्या है एनोरेक्सिया तो जानते हो ना, व्हाट्स एनोरेक्सिया हो, नोजिया हो, फीवर हो, विद अपर हाइपोक्रोनिक पेन होगा, सही है, फॉर मेनी डेज। बहुत सी दिनों से इसका अपर हाइपोक्रोनिक रीजन में ज्यादातर पेन होगा, तो इसको क्या है, पेशेंट हैज डेवलप जॉइंटेस। ये जॉइंटेस की वजह से भी होता है, अनकंजुगेटेड एनीमिया की वजह से भी होगा, तो इसमें हेपेटाइटिस की वजह से भी होता है, सही है। तो इस पेशेंट में क्या क्या बढ़ के नजर आएंगे, ST, ALT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, पाइप न्यूक्लियोपेप्टिडेज इधर भी बढ़ेंगे, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी इस किस्म के पेशेंट में बढ़ते नजर आएंगे। एक पेशेंट है सीवियर वेट लॉस, अगर किसी पेशेंट में सीवियर वेट लॉस हो रहा हो, सही है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, सही है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर वेट लॉस हो, स्पेशल रेडिएटिंग टू बैकवर्ड, कहाँ पर वो रेडिएट किस तरफ होता है, बैकवर्ड इस तरफ बोलते हैं, यहाँ पर भी दर्द है, पीठ कभी बोलते हैं यहाँ पर है, रेडिएट टू बैकवर्ड, पेल कलर स्टूल हो, डार्क कलर यूरिन हो, तो इसमें क्या है, नो यूरिनो बायोलोजिन। इस पेशेंट में क्या हो, अगर हम यूरिन एनालाइज टेस्ट करते हैं तो इसमें यूरिनो बायोलोजिन एब्सेंट नजर आए हमको, तो क्या है इस AST, ALT इसमें क्या बड़ा नजर आए, अल्कलाइन फॉस्फेट भी बड़ा सीवियरली इंक्रीज नजर आए, कंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या है हमें बड़ा नजर आए, तो हम इसको क्या कहते हैं, कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द वेटर या मे बी हेपेटाइटिस। ये भी हेपेटाइटिस की वजह से सीवियर वेट लॉस हो, दूसरा क्या है सीवियर वेट लॉस हो, एब्डोमिनल पेन हो जो रेडिएट करता है किसको, बैकवर्ड को, पेन डार्क कलर क्या हो यूरिन हो, पेन कलर स्टूल हो, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, पाइप न्यूक्लियोपेप्टिडेज एंजाइम, ये सब चीजें बड़े नजर आए, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस पर्सन इज कार्सिनोमा प्रॉब्लम। ओके, द क्लास इज डिसमिस्ड।